मेरा नाम जिशान रजा है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि मेरी वीडियोस देखने के लिए अपना कीमती वक्त जो है वो निकालते हैं। बड़ी खबर आपके साथ जो है मैं आज शेयर करने वाला हूँ। भारत पर अमेरिका ने बड़ी पाबंदी आयद कर दी है, बहुत बड़ी पाबंदी आयद की है और आगे चल के भी कुछ ऐसी पाबंदियां भारत पर लगने जा रही है। 19 कंपनीज हैं भारत की जिनके ऊपर ये पाबंदी लगाई गई है। ये पाबंदी क्यों लगाई गई है, ये कंपनीज के ऊपर क्यों इन पर पाबंदी लगा दी है? ना सिर्फ ये कंपनियां बल्कि दो अहम शख्सियात जो हैं भारत की उन पर भी पाबंदी आयद की गई है और आगे मजीद पाबंदियां लगाए जाने का इम्कान है। ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ जो है वो आज के इस व्लॉग में जो है वो शेयर करूंगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स मेरे सामने खुली हुई हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। अमेरिका ने रूस को जंगी साजो सामान फराहम करने पर 19 भारतीय कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी है। अमेरिका की जानिब से दुनिया भर की तकरीबन 400 कंपनियां और अफराद पर पाबंदियां आयद करने का ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर किया गया है। अमरीकी वजारत खजाना के मुताबिक ये पाबंदियां रूसी फौज को जदीद टेक्नोलॉजी सामान फराहम करने पर आयद की गई है। अमरीकी वजारत खजाना जो है उनका यह कहना है कि रूस की जानिब से यूक्रेन के खिलाफ गैर कानूनी और गैर इखलाकी जंग लड़ने में मदद फराहम करने वालों के खिलाफ अमेरिका और इसके इतिहादी ऐसे इकदाम करते रहेंगे। यानी कि बात यहां तक नहीं है, ये ना समझे कि मतलब ये अगर अब भारत अगर ये काम रूस को मदद करेगा, उसको सपोर्ट करेगा, उसके साथ चलेगा तो उसपे मजीद भी पाबंदियां आयद की जाएंगी। अच्छा, अमरीकी पाबंदियों की जद में 19 भारतीय कंपनियां आ चुकी हैं, दो भारतीय शख्सियात आ चुकी हैं और भारतीय कंपनियां रूस को क्या फराहम कर रही थी, जो पाबंदी लगाई गई है इसके पीछे वजह क्या है, वो क्या चीजें जो रूस को सप्लाई जो है वो की जा रही थी यूक्रेन जंग के खिलाफ, यानी यूक्रेन के ऊपर जो है वो जंग करो हम तुम्हें ये चीजें फराहम करेंगे, वो कौन सी चीजें हैं जी, सुन ले। रूस को इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स और एविएशन से मुतल्लिक आलात फराहम किए जा रहे थे, यानी बड़ा कोई खास किस्म का जंगी सामान था जो फराहम किया जा रहा था, बड़े खास किस्म के आलात फराहम किए जा रहे थे जिस पर अमेरिका की जानिब से पाबंदी जो है वो लगा दी गई। असल ये मामला सारा है क्या, ये डिटेल्स तो मैंने कुछ आपके साथ खबर जो है वो तो शेयर कर ली, लेकिन ये सारे मामले के पीछे असल कहानी क्या है, असल मामला क्या है, वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, हुआ यूं है कि भारत ने कभी ये नहीं सोचा कि पॉजिटिवली कभी नहीं सोचा, और खासतौर पर अगर भारतीय मीडिया की बात करें तो भारतीय मीडिया का पिछले मैं एक महीने से देख रहा हूं, मैं तो आज ये क्योंकि खबर ये भाई मैंने पाबंदी तो लगाई नहीं है, अमेरिका ने पाबंदी लगाई है, इंटरनेशनल तमाम चैनल्स पर और तमाम अखबारात पर तमाम वेबसाइट पर यह खबर है, पिछले दो दिन से खबर जो है वो गर्दिश कर रही हूं, तो मैंने कहा कि भाई मैं भी व्लॉग इस पर कर दूं, कुछ डिटेल्स हम भी आवाम के सामने जो है वो रखें। मामला यह है कि पिछले कुछ दो महीने से मैं देख रहा हूं कि इंडियन मीडिया क्या कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ दिन रात सुबह दोपहर शाम रात सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जहर उगलने में लगा है। पाकिस्तान देखें खत्ते में ताकत के तवाजुन को मतवाजन रखने के लिए हमारी नीड है और पाकिस्तान ने जो है वो स्टिलित तैयारी जो है वो अब चाइना से लेने जा रहा है, बातचीत हो चुकी है, सारे मामला तय हो चुके हैं और हमारे पायलट जो है वो तरबियत हासिल चाइना में कर रहे हैं। अच्छा, अब हम अगर कुछ भी करते हैं, अभी पिछले कुछ दिनों से हमारे जेएफ हंटर को लेकर भारत को काफी तकलीफ हुई हुई है, भारतीय मीडिया को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई हुई है। भाई हम हक रखते हैं, हम अपना बिजनेस करने का हक रखते हैं, हम अपना कारोबार, हम अपनी एक्सपोर्ट क्यों ना करें। अब क्या हो रहा है कि पिछले कुछ अरसे से भारत क्या कर रहा है कि इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो प्रोपोगंडा जो है वो करी जा रहा है। पाकिस्तान को खराब करने के लिए पूरी दुनिया में एक प्रोपोगंडा कर रहा है। हालांकि जो लोग जानते हैं सबसे ज्यादा अगर सच्चाई बयान की जाए तो अमन के लिए जो हमारे मुल्क ने किया या हमारी फौज ने किया है जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। देखें यूएन में सबसे ज्यादा जो यूएन मिशंस के अंदर पाक फौज ने जो है वो हिस्सा लिया है बढ़ चढ़ के, अमन के लिए जो कोशिश की है वो पाक फौज ने की है, दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए कितने हमारे जो माओ के लाल हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया। तो नाज़रीन अब अच्छा भारत की जानिब से क्या बयान सामने आया, भारत का कहना है जी कि हम रब्ता कर रहे हैं अमेरिका के साथ और हमने जो है वो सामान प्रोवाइड नहीं किया, जबकि ये झूठ है, पूरी तरह मदद की गई है,
यूक्रेन के खिलाफ जो है वो जंग में रशिया की भारत ने बड़ी जो है वो सपोर्ट की है। और अच्छा मामला क्या है कि सबसे ज्यादा मैं आपको बता चलूं कि दुनिया जानती है सिवाय भारत के दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए आए रोज हमारे जवान हमारे फौजी अफसर शहीद हो रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर मुकाबला किया है दहशतगर्दी के खिलाफ तो वो पाकिस्तानी फौज ने किया। बलूचिस्तान में जो हालात हैं उसका जिम्मेदार भारत है और ये उस भारत की जो इन्वॉल्वमेंट है उसके बारे में पूरी ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, पूरी दुनिया जानती है, यहां तक कि उनका मीडिया भी खुद कहता है मानता है कि भारत की जानिब से इन्वॉल्वमेंट बलूचिस्तान में की जा रही है। तो बात यह है कि हमारी फौज की हमेशा कोशिश रही अमन के लिए और अमन का पैगाम दिया। और बात यह है कि खित्ते में असल हकीकत यह है कि भारत खुद को एक बहुत बड़ी ताकत लाकर पेश करना चाहता है, खुद को एक बहुत बड़ी ताकत बनाना चाहता है। बात करें कि अगर भारत और अमेरिका के ताल्लुकात की या भारत के रशिया के साथ ताल्लुकात की तो उनका मीडिया खुद कहता है कि बात यह है कि भारत को शायद ये नहीं पता कि उसने करना क्या है और ये लगता है उसने क्या करना है। असल उसका जो भारत का ख्वाब है वो पूरे खित्ते में खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाना है जिसके लिए वो ये सारी कोशिशें कर रहा है। और हमारे खिलाफ तो खैर सुबह दोपहर शाम कोई ना कोई बयानियां बना ही रही। बहरहाल जो सच्चाई है उसे नहीं छुपाया जा सकता और सच ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है और सूरत हाल ये है कि भारत पर ना सिर्फ अभी ये 19 कंपनियों की पाबंदी लगी है बल्कि मजीद कुछ बड़ी पाबंदियां जो हैं वो लगने जा। तो नाज़रीन इंशाल्लाह आपको इसी तरह से जो अहम खबरें होंगी उससे हम आगाह रखेंगे। तो बस आखिर में आपसे एक ही गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो लेटेस्ट वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मौसूल होते रहें। मुझे इजाजत दें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।